फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला केमिकल युक्त पानी और धुआं पर्यावरण को मुंह चिढ़ा रहा है। विकास के नाम पर आमजन लोगों के स्वास्थ्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। उद्यमियों के लिए उन्नाव कर्म भूमि से ज्यादा कुछ नहीं है, जहां अवैध कार्यों को खुलेआम करके पर्यावरण का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब कुछ स्लॉटर हाउस में अवैध तरीके से नाबालिगों से काम करवाया जाता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जहां एक नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना होती है, जिसे छिपाने की बखूबी कोशिश की जाती है। जांच चल रही होती है तो तब एक और बहुत बड़ा खुलासा हो जाता है। जी हां, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव की। यूपी एटीएस ने आतंकी संगठनों से जुड़े रिजवान खान नाम के जिस आतंकी को बिहार प्रांत से गिरफ्तार किया है, वो उन्नाव के इंडार्गो स्लॉटर हाउस में 2 महीने से काम करता रहा। वो प्राइवेट राजपूत सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से यहाँ आया था। उसके आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की जानकारी से फैक्ट्री कर्मी भी हैरान है। जिस रिजवान खान नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया है, वो इसी साल 2023 में फरवरी और मार्च में दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडार्गो फूड्स में काम कर चुका है। मोबाइल पर ही रहता था व्यस्त। कर्मचारियों ने बताया कि वो काफी शांत रहता था और खाली समय होने पर मोबाइल पर ही व्यस्त रहता था। वो कभी कभी काफी गुस्से में भी दिखता था, लेकिन इसकी वजह कभी किसी को नहीं बताई। संदिग्ध फैक्ट्री का कर्मचारी नहीं था। वही फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि कंपनी सुरक्षा कर्मियों और श्रमिकों को निजी एजेंसी के माध्यम से एक निश्चित समय के अनुबंध पर लेती है। पकड़ा गया संदिग्ध फैक्ट्री का कर्मचारी नहीं था। पूर्व में पकड़े गए आतंकी संगठनों से जुड़े शातिर फरवरी 2018 में स्लॉटर हाउस में काम कर रहे रोहिंग्या मुसलमानों को एटीएस ने पकड़ा था। अप्रैल 2017 पंजाब में गिरफ्तार आतंकी जिशान उर्फ गाजी बाबा आज सीवन के रसूलाबाद का मूल निवासी था। मार्च 2017 को लखनऊ में एटीएस के एनकाउंटर में मारा गया आतंकी सैफुल्ला साथियों के साथ स्टेशन रोड किला मस्जिद में जायरीन के रूप में महीनों तक रुका था। फरवरी 2012 को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने 7 महीने से बांगरों के मदार नगर स्थित एक मदरसे में मौलवी बनकर रह रहे बशीर हसन नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया था। 2008 में जौनपुर में विस्फोट की घटना में शामिल नूर आलम ने दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र में एक बंद फैक्ट्री के पीछे विस्फोटक छुपा कर रखा था। उन्नाव स्पेशल कोर्ट ने नूर आलम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्लॉटर हाउस से उठाया गया उमर उस्मान भी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके चलते एटीएस ने उसे उठाया है। एटीएस पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ भी कर रही है। हालांकि एटीएस ने अभी आतंकी रिजवान के साथ ही उमर उस्मान का कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि एटीएस के खुलासे में उन्नाव के इंडार्गो स्लॉटर हाउस के पाकिस्तान कनेक्शन पर क्या खुलकर सामने आता है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी आतंकवादी के साथ उन्नाव का नाम जुड़ा हो। इससे पहले भी कई बार आतंकी अपनी पहचान छुपाकर यहां शरण ले चुके हैं। हालात ये हैं कि शहर और औद्योगिक क्षेत्रों में एसटीएफ और एएनआई पूर्व में कई ऐसे लोगों को दबोच चुकी है जिनका आतंकी संगठनों से ताल्लुकात रहा है और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में भी रहे हैं। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया पूछ रहा है। सवाल नंबर एक, जब अपने संस्थान में किसी दूसरे प्रदेश या विदेश नौकरी पर रखते हैं तो उसका पुलिस सत्यापन क्यों नहीं होता। सवाल नंबर दो, अपने प्रदेश के या जनपद के बेरोजगारों को नौकरी पर क्यों नहीं रखते। स्लॉटर हाउस प्रबंधन आखिर नेपाल और कश्मीरियों को क्यों देते हैं नौकरी। आपको बता दें कि 2008 में जौनपुर में विस्फोट की घटना को अंजाम देने वाले नूर आलम को दही थाना औद्योगिक क्षेत्र में एक बंद पड़ी फैक्ट्री के पीछे विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसको उन्नाव स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं 2018 में स्लॉटर हाउस में काम कर रहे रोहिंग्या मुसलमानों को एटीएस ने पकड़ा था, लेकिन उसके बाद भी इन लापरवाह स्लॉटर हाउस में बाहरी लोगों को अपनी फैक्ट्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी देने में एक बार भी नहीं हिचकिचाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ऐसे स्लॉटर हाउस को सील किया जाएगा या महज लीपापोती करके मामले को दबा दिया जाएगा।